हमारा सब्जेक्ट है एस्टिमेटिंग एंड कोस्टिंग। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट कोस्ट अकाउंटिंग। तो कोस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में कि कोस्टिंग क्या होती है, या फिर बोल सकते हैं कोस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोस्टिंग, कि जो भी हमारी कोस्टिंग रहती है, कि जो हम कोस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर हमने क्या करना है, एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका जो भी कोस्ट है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो ऑल एक्सपेंडिचर जिनको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम कौन सा था, कोस्टिंग। फिर हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कोस्टिंग की, कोस्टिंग हम करते क्यों है, कोस्ट अकाउंटिंग हम किस लिए करते हैं, जिसके अंदर आपको बताया था कि काफी तरह के हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, जो भी हमारी ईच आइटम है, ईच प्रोडक्ट्स है, उनको कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, जो ऑपरेशन के ऊपर हम कॉस्ट लगा रहे हैं उस कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए, कंट्रोल द वेजेस, जो भी वेजेस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, जो प्रॉफिट वगैरह है, जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट को, प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में डिटरमाइन करने के लिए, जो एक्स्ट्रा हम कॉस्ट लगा रहे हैं, जो टोटल प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट लग रहा है उस कॉस्ट को कम से कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा और क्या चीज था कि अर्न मोर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमने बात की थी फाइनेंशियल और हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों के बीच में डिफरेंस, कि डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बता दिया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड होती है ट्रांजेक्शन से, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है, फाइनल स्टेटमेंट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनसे रिलेटेड है कि हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो उसमें जस्ट क्या है, किसी प्रोडक्ट के कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कैलकुलेट करना, वो हमारी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम आज बात करेंगे एडवांटेज ऑफ कॉस्टिंग के बारे में, कि जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं या फिर बोल सकते हैं कॉस्टिंग, इसकी एडवांटेज क्या है। तो देखिए कॉस्टिंग हम करेंगे तो हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या एडवांटेज होगी। सबसे पहले इट हेल्प इन फाइंडिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, कि अगर हमें कॉस्टिंग का हमें पहले से पता होगा, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की होगी, तो उस वजह से जो भी हम मटेरियल की वेस्टेज कर रहे हैं उसका हमें पता लग जाएगा कि हम मटेरियल की जो जो वेस्टेज कर रहे हैं, ताकि हम उस वेस्टेज को रिड्यूस, जो भी हम वेस्टेज कर रहे हैं उसको कम से कम करें, मटेरियल की जो वेस्टेज है उसको कम से कम। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इट इज हेल्प टू फाइंडिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो भी हम वेस्टेज कर रहे हैं मटेरियल उसको फाइंड आउट करने में मदद करती है कॉस्टिंग। तो ये एक फायदा हो गया, लाभ हो गया, एडवांटेज होगी। सेकंड पॉइंट क्या बात करते हैं, इट हेल्प द मैनेजिंग, जो भी हमारी मैनेजमेंट है उसको हेल्प करती है, किस चीज में हेल्प करती है, डिसाइड करने के लिए कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं वो हम मैन्युफैक्चर करें या फिर हम उसको किसी अदर इंडस्ट्रीज, किसी दूसरी मार्केट से परचेज करें इकोनॉमिकल वे से, कि जो हमें अगर हमें सस्ता, जिस तरीके से हमें सस्ता पड़ेगा, मतलब हमारा खर्चा कम आएगा, कॉस्ट हमारा कम लगेगा, उस अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में मदद करती है कॉस्टिंग। तो ये हमारा सेकेंड एडवांटेज हो जाएगी। इसी तरह हो जाएगी प्रॉफिट और अनप्रॉफिट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो कॉस्टिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और वेजेस सिस्टम है जो, उसको चेक करना कि किस तरह से हमने वेजेस सिस्टम को अप्लाई करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, तो ये भी किसके अंदर आएगा, हमारी एडवांटेज के अंदर। सेलिंग प्राइस है उसको कंट्रोल करना, तो हम क्या लिख सकते हैं एडवांटेज के अंदर, क्या क्या हो सकते हैं, जो भी आपको बताया। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, टू हेल्प इन फाइंडिंग द वेस्टेज ऑफ मटीरियल, ठीक है, इट इज हेल्प, या फिर इट हेल्प्स, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द वेस्टेज ऑफ मटीरियल, वेस्टेज ऑफ मटीरियल्स, जो भी हमारे मटीरियल की वेस्टेज हो रही है उस वेस्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम करते हैं कॉस्टिंग का, तो वो कॉस्टिंग की हमारी क्या आ जाएगी, एडवांटेज आएगी। इसके अलावा इट हेल्प्स द मैनेजमेंट, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड, क्या डिसाइड करने के लिए, कि जो हम पार्ट बनाना चाहते हैं, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, उसकी जो आइटम्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करें या फिर किसी और इंडस्ट्री से, एक मार्केट से हम उसको परचेज करें। तो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड टू मैन्युफैक्चर ए कंपोनेंट इन फैक्ट्री और परचेज, मैन्युफैक्चर
ए प्रोडक्ट इन फैक्ट्री और परचेज की जानते हो हम क्या करें, उसको डिसाइड करना है हमारी मैनेजमेंट को कि जो हम प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं हम उसको क्या करें मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट इन फैक्ट्री कि हमारी फैक्ट्री में बनाएं या फिर हम उसको क्या करें परचेज फ्रॉम अदर इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्री या फिर आउटसाइड इंडस्ट्री, जो भी हमारी आउटसाइडर इंडस्ट्रीज हैं उस इंडस्ट्री से हम उसको क्या करें परचेज करें। तो वो किसके अंदर आ जाएगी, एडवांटेज के अंदर, कि कोस्टिंग की वजह से मदद मिलती है, हेल्प मिलती है हमारी मैनेजमेंट को डिसाइड करने के लिए कि इकोनॉमिकल वे से कि जो हमारे लिए फायदेमंद है उसके अकॉर्डिंग कि हमें वो प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं पार्ट्स हैं उनको मैन्युफैक्चर करना चाहिए कंपनी के अंदर या फिर हम क्या करें बाहर से उनको क्या कर लें परचेज करें। इसके अलावा टू गिव इंफॉर्मेशन, टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और अनप्रॉफिट, कि जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिन प्रोडक्ट्स को हम बना रहे हैं वो प्रॉफिटेबल हैं या फिर नहीं प्रॉफिटेबल, यानी कि प्रॉफिट और अनप्रॉफिट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमें किससे मिल जाती है कोस्टिंग, क्योंकि अगर हम कोस्ट अकाउंटिंग पहले करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे हमें कोस्ट के बारे में पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें इतना कोस्ट लगा रहे हैं, फिर हम उसके उस कोस्टिंग के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस जो हमने सेल प्राइस करना है उस प्राइस को डिसाइड करते हैं जिससे हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कि वो प्रॉफिट में होगा या फिर वो कौन सा होगा अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, यानी कि जो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो प्रॉफिटेबल है या फिर अनप्रॉफिटेबल है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं एडवांटेज के अंदर, वो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, इन हेल्प्स टू फाइंडिंग द एक्चुअल कॉजेस ऑफ प्रॉफिट एंड अनप्रॉफिट, यानी कि अगर हम कोस्टिंग करते हैं तो कोस्टिंग से हमें एक ये भी मदद मिलती है कि हमें एक्चुअल रीजन का पता लग जाता है, वो असली कारण का पता लग जाता है जिस कारण की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर उनके अंदर जो डिक्रीज आ रही है प्रॉफिट के अंदर जो भी कमी आ रही है उसके रीजंस का कारण कारणों का हमें पता लग जाता है कोस्टिंग की वजह से। तो क्या लिख सकते हैं, इट हेल्प्स टू फाइंडिंग द इट helps to finding the actual causes of decreasing profit, कि उन कारणों का हमें पता लग जाता है एक्चुअल कारणों का पता लगता है जिनकी वजह से हमारे जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है, जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो उन रीजन का उन कारणों का हमें पता लग जाता है किसकी वजह से कोस्टिंग की वजह से। तो ये भी हमारा क्या रहता है एडवांटेज है किसके अंदर कोस्टिंग के अंदर। इसके अलावा टू कीप कंट्रोल ओवर द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, टू कीप कंट्रोल द सेलिंग प्राइस, टू कीप कंट्रोल द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हमें किस तरह से रखना है उस सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने में उसको कंट्रोल करने में भी कोस्टिंग मदद करती है, क्योंकि कोस्ट अकाउंटिंग अगर हमने पहले से की होगी प्रोडक्ट के कोस्ट को हमने पहले से कैलकुलेट किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या रख सकते हैं सेलिंग प्राइस, जो भी सेल प्राइस है हमारे प्रोडक्ट का उस सेल प्राइस को हम क्या कर सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टू कंट्रोल द वेजेस सिस्टम, टू कंट्रोल द वेजेस सिस्टम, जो भी हमारा इंडस्ट्रीज के अंदर वेजेस सिस्टम रहता है उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी हम किसका यूज कर लेते हैं हम यूज कर लेते हैं कोस्टिंग का। तो ये हमारी क्या रहेंगे कुछ एडवांटेज। तो एडवांटेज के अंदर देखिए हमने क्या बात की है, सबसे पहले इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जो भी हमारे मटेरियल की वेस्टेज हो रही है उस वेस्टेज को फाइंड आउट करने के लिए हम कोस्टिंग करते हैं तो एडवांटेज में आ जाएगी। सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट इन फैक्ट्री और परचेज फ्रॉम अदर इंडस्ट्री, कि
कोस्टिंग की वजह से हमें ये भी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है मैनेजमेंट को डिसाइड करने में कि जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, इकोनॉमिकल वे से हम उसको मैन्युफैक्चर करें कंपनी के अंदर या फिर आउटसाइडर कोई भी मार्केट या इंडस्ट्री से हम उसको क्या करें, परचेज करें। थर्ड पॉइंट क्या बोला गया है, टू गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और अनप्रॉफिट। कोस्टिंग की वजह से अगर हमने पहले से कोस्ट अकाउंटिंग की हुई है तो उसकी वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्रॉफिट और अनप्रॉफिट के बारे में कि प्रोडक्ट से हमें प्रॉफिट होगा या फिर अनप्रॉफिट। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द एक्चुअल कॉसेस ऑफ डिक्रीजिंग प्रॉफिट। कोस्ट अकाउंटिंग की होगी, कोस्ट अकाउंटिंग से हमें ये मदद मिलती है कि जो भी एक्चुअल कारण है जिसकी वजह से प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो रहा है तो उन कारणों को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोस्टिंग अकाउंटिंग। नेक्स्ट, टू कीप कंट्रोल द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को कंट्रोल करने के लिए कि हमने सेलिंग प्राइस किस तरह से डिसाइड करना है, कितना रखना है, उस चीज के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कोस्ट अकाउंटिंग का। कोस्ट अकाउंटिंग की मदद से हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू कंट्रोल द वेजेस सिस्टम। जो भी हमारी इंडस्ट्री के अंदर वेजेस सिस्टम होता है, वर्कर्स को जो हम वेजेस पेड करा रहे हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग, तो उसको कंट्रोल करने में भी मदद करती है कोस्टिंग अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटिंग या फिर बोल सकते हैं कोस्टिंग अकाउंटिंग। तो ये तो हमने बात की एडवांटेज ऑफ कोस्टिंग के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ कोस्टिंग, कि जो हमारी कोस्टिंग है, कोस्टिंग के मेथड कौन कौन से हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ कोस्टिंग। नेक्स्ट रहेगा हमारा मेथड्स ऑफ कोस्टिंग। मेथड्स ऑफ कोस्टिंग कि जो कोस्टिंग है, कोस्टिंग का मेथड क्या है, किस तरह से हम कोस्टिंग पर कोस्टिंग करते हैं, जो भी हम कोस्टिंग अकाउंट कोस्ट अकाउंटिंग करते हैं उनको करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। तो हमारे पास मेथड रहेंगे, क्षेत्र रहेंगे, हमारे पास 6 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है जॉब कोस्टिंग। फर्स्ट मेथड हमारा क्या रहेगा, जॉब कोस्टिंग। सेकेंड होगा बैच कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग मेथड। थर्ड हमारे पास कौन सा आएगा बैच कोस्टिंग के बाद, प्रोसेस कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग। फोर्थ नंबर पे जो होगा वो होगा यूनिट कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग के बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास जो रहेगा हमारा वो होगा डिपार्टमेंटल कोस्टिंग, डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल कोस्टिंग। और लास्ट जो होगा वो होगा मल्टीपल कोस्टिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोस्टिंग, वो हमारा कौन सा रहेगा, मल्टीपल कोस्टिंग। तो ये 6 आएंगे हमारे 6 मेथड्स होते हैं किस चीज के, कोस्टिंग के। जब भी हम कोस्टिंग अकाउंटिंग की या फिर कोस्टिंग की बात करेंगे तो 6 हमारे मेथड्स रहेंगे, कौन कौन से, जॉब कोस्टिंग, बैच कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग, डिपार्टमेंटल कोस्टिंग और मल्टीपल कोस्टिंग। तो इन 6 मेथड्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट मेथड के बारे में। तो फर्स्ट मेथड हमारा कौन सा रहेगा, वो मेथड है हमारा जॉब कोस्टिंग। 6 तरह के हमारे मेथड है, कौन कौन से, जॉब कोस्टिंग मेथड। नेक्स्ट हमारा कौन सा रहेगा, जॉब के बाद बैच कोस्टिंग, प्रोसेस कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा डिपार्टमेंट कोस्टिंग। और लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, मल्टीपल कोस्टिंग मेथड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब कोस्टिंग के बारे में कि जॉब कोस्टिंग क्या होती है। तो जो हमारी जॉब कोस्टिंग होती है, जॉब कोस्टिंग को हम ऑर्डर कोस्टिंग या फिर टर्मिनल कोस्टिंग भी बोलते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज ऑर्डर कोस्टिंग या फिर टर्मिनल कोस्टिंग, कि ऑर्डर कोस्टिंग भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल कोस्टिंग बोल सकते हैं। और ये हम यूज किस लिए करते हैं, जो हमारी जॉब कोस्टिंग मेथड है, कब हम इसका यूज करते हैं कि इट इज यूज्ड टू फाइंड द कोस्ट ऑफ ईच इंडिविजुअल एक्टिविटीज।
जो भी हमारी इंडिविजुअल एक्टिविटी या इंडिविजुअल जो हमारी जॉब है उस जॉब के कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं जॉब कॉस्टिंग मेथड का। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल जॉब। इट इज यूज्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल आइटम, जो भी हमारी इंडिविजुअल है, इट इज यूज्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल जॉब। जो भी हमारी इंडिविजुअल जॉब रहेगी उस जॉब को इंडिविजुअल जॉब, जो अलग अलग से, यानी कि हमारे पास काफी सारी जॉब है अलग अलग जॉब का, मान लीजिए ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 तरह की जॉब है हमारी, तो अलग अलग से पहले इसका पोस्ट को फाइंड आउट करना, नेक्स्ट इसको, फिर इसको, इस तरह से पोस्ट को फाइंड आउट करना ईच जॉब, यानी कि इंडिविजुअल, हर एक व्यक्तिगत रूप से जो हमारे व्यक्ति जॉब है, अलग अलग जॉब है, प्रत्येक जॉब को अलग से उसके कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वो मेथड हमारा कहलाता है जॉब कॉस्टिंग मेथड। ये जॉब कॉस्टिंग मेथड होता है, इसके अंदर ये मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है, ये किसके द्वारा अडॉप्ट करते हैं, जो भी हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। जब हम अडॉप्ट की बात करेंगे कि तो क्या लिख सकते हैं, इट इज अडॉप्टेड बाय, जो अडॉप्ट की बात करेंगे तो इट इज अडॉप्टेड बाय बिल्डर्स और कंस्ट्रक्टर, जो भी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं या फिर बिल्डर्स होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, इस चीज को, जो भी हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, उनके द्वारा क्या होता है, इस मेथड को, जॉब कॉस्टिंग जो मेथड है हमारा, इस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक जॉब के, यानी कि जो हम अलग अलग जॉब बना रहे हैं, जो हमारा अलग अलग किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अलग अलग पार्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अलग अलग पार्ट के कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं, कॉस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ना कि पूरे जो भी असेंबल प्रोडक्ट है, असेंबल की बजाय जो हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, तो पहले एक प्रोडक्ट के कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड जॉब रहेगी, सेकंड जॉब का जो कॉस्ट होगा उस जॉब को हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं जॉब कॉस्टिंग मेथड, यानी कि जॉब के अकॉर्डिंग हमने कॉस्ट अकाउंटिंग करनी, वो हमारा कौन सा रहेगा, जॉब कॉस्टिंग मेथड। सेकंड बात करते हैं, सेकंड हमारा कौन सा है, बैच कॉस्टिंग। तो ये क्या होता है, एक तरह से एक्सटेंशन है हमारी जॉब कॉस्टिंग की, कि इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ जॉब कॉस्टिंग, कि एक तरह से सेम जॉब कॉस्टिंग है, लेकिन जॉब कॉस्टिंग को इंप्रूव करके, उसको एक्सटेंड करके, जो हमने एक नया मेथड तैयार कर दिया, उस मेथड को हमने क्या बोल दिया, बैच मेथड बोल दिया। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सिंगल जॉब को, इंडिविजुअल जॉब को फाइंड आउट करने की बजाय, मतलब उसके कॉस्ट को फाइंड आउट करने की बजाय, हम क्या करते हैं, बैच के अंदर जो भी कंपोनेंट है, एक बैच के अंदर हम क्या करते हैं, उनको, मतलब उसके कॉस्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस कॉस्ट इज फाइंड आउट इन बैच कंपोनेंट्स, इन बैच कंपोनेंट्स, कि जो बैच कंपोनेंट्स होंगे, कि इन दिस कॉस्ट इज फाइंड आउट इन बैच कंपोनेंट, कि एक बैच कंपोनेंट होंगे, ठीक है, इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल जॉब, यानी कि इंडिविजुअल जॉब की बजाय एक बैच के अंदर हम क्या करेंगे, उन सारे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनके जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को हम क्या करेंगे, कंसीडर, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमारा बैच है, उस बैच के अंदर मान लीजिए 100 जॉब्स हैं, तो हमारे पास क्या है, 100 कंपोनेंट्स है, तो 100 कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे, एक सिंगल जॉब के, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास 100 क्या है, कंपोनेंट्स है,
ये क्या है बैच के अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे वन जॉब, एक जॉब के रूप में कंसीडर करेंगे। हमारे पास अगर 100 कंपोनेंट्स है और हम इसको बाद में क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा 100 है उस 100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं बैच पोस्टिंग के अंदर, जो भी हमारी बैच के रूप में, मान लीजिए हमने सिमिलर तरीके से 100 जॉब तैयार की है, मान लीजिए 100 जॉब तैयार की है, तो हम 100 जॉब को इकट्ठा करेंगे, उन 100 जो हमारे पास जॉब्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, उन 100 कंपोनेंट्स पे क्या करेंगे, उनको हम क्या करेंगे इसके कोस्ट को फाइंड आउट करेंगे। कोस्ट फाइंड आउट कर दिया इकट्ठी 100 जॉब्स का, और उसके बाद जितना भी हमारा आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बैच पोस्टिंग यानी कि जो बैच कोस्ट है हमारा, उस कोस्ट को हम क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो बैच पोस्टिंग के अंदर पता लगा कि इसके अंदर हम एक तरह से जॉब पोस्टिंग का ही एक एक्सटेंशन है, इसके अंदर हम इंडिविजुअल जॉब की बजाय जो बैच के अंदर हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स पे कोस्ट को फाइंड आउट करने की हम क्या करते हैं कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड हमारा कौन सा रहेगा, प्रोसेस कोस्टिंग। तो देखिए प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, दिस मेथड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल ऑयल, जो भी हमारी ऑयल से केमिकल से रिलेटेड हमारी रिफाइनरी से पेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है, उस इंडस्ट्रीज के अंदर हम यूज करते हैं प्रोसेस कोस्टिंग का, क्योंकि जितने भी हमारे ये सारे केमिकल्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, पेंट्स होते हैं, इनको काफी प्रोसेसेस के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है, तो हर प्रोसेस के अंदर हम अलग अलग से क्या कर सकते हैं उसके कोस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। तो प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर हम क्या देख सकते हैं कि दिस मेथड इज यूज इन industries such as chemical, oil, paints, etc. कि जो भी हमारी केमिकल्स ऑयल या पेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज होती है उन इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या यूज करते हैं इस चीज का, जो हमारी प्रोसेस कोस्टिंग है इस मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमारा वेयर रॉ मटेरियल पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, क्योंकि काफी सारी प्रोसेसेस के अंदर से जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो होकर गुजरता है, जिस वजह से हम क्या कर सकते हैं अलग अलग स्टेज के ऊपर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर वेरियस प्रोसेसेस और स्टेजेस टू फाइंड द कोस्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं अलग थ्रू वेरियस प्रोसेसेस और स्टेजेस टू फाइंड द कोस्ट, कि अलग अलग वो प्रोसेस अलग अलग स्टेज से होकर गुजरेगा जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं उसको जो भी कोस्ट है उस कोस्ट को अलग अलग प्रोसेस के अंदर अलग अलग स्टेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल पासेस थ्रू वेरियस प्रोसेसेस और स्टेजेस टू फाइंड द कोस्ट, कि हम आसानी से क्या कर सकते हैं उसके कोस्ट को फाइंड कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसके कोस्ट को फाइंड कर सकते हैं जो वो अलग अलग प्रोसेसेस के अंदर से गुजर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के, तो फोर्थ पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, यूनिट कोस्टिंग मेथड। तो देखिए यूनिट कोस्टिंग मेथड क्या होता है, इट इज आल्सो नोन एज सिंगल कोस्टिंग मेथड, इसको क्या बोलते हैं सिंगल कोस्टिंग, It is also known as single coasting. कि ये हमारा एक तरह से single coasting method भी होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि this method is used in industries where supply a uniform product of uniform product instead of variety of product such as bricks, cigarette, mines, cements. यानी कि ये यूनिट कोस्टिंग वो है, इसको हम सिंगल कोस्टिंग भी बोल देते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम किसी इंडस्ट्री, ये हम इंडस्ट्रीज के अंदर वहां पे यूज करते हैं, यहाँ पे हम एक यूनिफॉर्म कंपोनेंट, एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की बजाय, यानी कि एक ही तरह का हम यूनिफॉर्म प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं सप्लाई कर रहे हैं, जैसे ब्रिक्स हो गई, सीमेंट हो गया, तो वो हमारी होती है यूनिट कोस्टिंग। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन industries where supply of uniform products such as bricks, cements, etc.
कि ये जो यूनिट मेथड यूनिट कोस्टिंग मेथड होता है, इस मेथड का हम यूज कहाँ पे करते हैं? इस मेथड का हम यूज मेनली वहां पे करते हैं जहां पे एक यूनिफॉर्म प्रोडक्ट की हम सप्लाई कर रहे हैं रेगुलर, ना कि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उनकी सप्लाई कर रहे हैं। एक ही सेम तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनकी सप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि ब्रिक्स बना रहे हैं, सीमेंट बना रहे हैं, तो वो हमारा मेथड कौन सा होता है, उसको बोलते हैं यूनिट कोस्टिंग मेथड, या फिर हम उसको नाम दे देते हैं सिंगल कोस्टिंग मेथड। वो हमारा कौन सा होता है, यूनिट कोस्टिंग मेथड, या फिर हम उसको बोल देते हैं सिंगल कोस्टिंग मेथड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ मेथड के बारे में। तो फिफ्थ मेथड हमारा कौन सा रहेगा, फिफ्थ मेथड है हमारा डिपार्टमेंटल कोस्टिंग, डिपार्टमेंटल कोस्टिंग। अभी तक हम चार मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ मेथड के बारे में। तो फिफ्थ मेथड हमारा कौन सा रहेगा, फिफ्थ मेथड हमारा बन जाएगा डिपार्टमेंटल पोस्टिंग। पांच नंबर पे आ जाएगा डिपार्टमेंटल कोस्टिंग, ठीक है, डिपार्टमेंटल कोस्टिंग। तो अब देखिए डिपार्टमेंटल कोस्टिंग क्या होती है, कि इट इज अडॉप्टेड बाय इन, ठीक है, इट इज adopted in calculating the cost of each department separately for manufacture a product। यानी कि जहां पे हम अलग अलग products को manufacture कर रहे हैं तो उसके अंदर अलग अलग department के अंदर, क्योंकि कोई product हम किस department में बना रहे हैं, कोई product किस department में बना रहे हैं, part बाद में हम उनको assemble कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, अलग अलग department के अंदर जो हमारा cost हो रहा है product के ऊपर, उस cost को find out करने के लिए हम जिस method का use करते हैं उस method को हम बोल देते हैं departmental costing। वो हमारा कौन सा रहता है, departmental costing। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दिस कैलकुलेटिंग द कोस्ट, इन दिस कैलकुलेटिंग कैलकुलेटिंग द कोस्ट, इन दिस कैलकुलेटिंग द कोस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ऑफ ईच डिपार्टमेंट, ठीक है, ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली, कि अलग से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कोस्ट है उस कोस्ट को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करने की क्या करेंगे, सेपरेट कोशिश करेंगे, कि इन दिस कैलकुलेटिंग द कोस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर, जो हम अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हमने क्या करना है, अलग अलग से उस प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कोस्ट हम लगा रहे हैं उस कोस्ट को फाइंड आउट करने की हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है, सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चर, for the manufacture, for the manufacture of products, manufacture of products, जो भी हम अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका जो कोस्ट है अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लास्ट हम बात करते हैं, ये हमारा रहेगा मल्टीपल मल्टीपल कोस्टिंग, मल्टीपल कोस्टिंग। तो देखिए मल्टीपल कोस्टिंग के अंदर क्या आ जाएगा, कि इट इज आल्सो नोन एज कंपोजिट कोस्टिंग। जो हमारी मल्टीपल कोस्टिंग होती है इसको हम कंपोजिट कोस्टिंग भी बोलते हैं, और इसका हम यूज कहां पे करते हैं, जहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे क्या किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। यहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हम क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्टार्टिंग से लेके फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं मल्टीपल कोस्टिंग मेथड का। तो क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो known as composite, ठीक है, composite costing method, composite costing, it is used, इसका हम use कहां पे करते हैं, it is used where a number of products are manufactured, number of components parts are manufactured, जहां पे number of जो हमारे components है, number of जो हमारे products हैं, वो products हम क्या कर रहे हैं, manufacture कर रहे हैं, manufacture कर रहे हैं, products are manufactured separately, separately or assembled, ठीक है, सेपरेटली, जहां पे हम क्या कर रहे हैं अलग अलग से पार्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सेपरेटली, और हम उनको क्या कर रहे हैं, असेंबल्ड कर रहे हैं, असेंबल्ड इनटू ए फाइनल प्रोडक्ट, असेंबल्ड इनटू ए फाइनल प्रोडक्ट। तो वहां पे हम किसका यूज कर लेते हैं, वहां पे यूज करते हैं हम
मल्टीपल कोस्टिंग का। तो ये हमारी यहाँ पे यूनिट कंप्लीट होती है, कौन सी कोस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने बात कर ली कोस्टिंग के बारे में, उसके एडवांटेज के बारे में, ऑब्जेक्टिव डिफरेंस फाइनेंशियल और कोस्ट अकाउंटिंग, और लास्ट पे हमने बात की है मेथड ऑफ कोस्टिंग के बारे में।